अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे कोई भी गाना, चाहे वो इंडियन हो या बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, किस तरीके से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने फॉलो करना है। होप सो ये सारा मेथड आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो गाना डाउनलोड करने के लिए, कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ, उसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल सा है। आप बहुत ही आसानी से कोई भी गाना, चाहे वो पुराना हो या नया हो, बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो गाना डाउनलोड करने के लिए आपने अपने स्मार्टफोन पर आना है और कोई भी आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप इसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपली आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, कोई भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने gaana.com लिख के सर्च करना है तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पे आपके पास एक एरो बटन का ऑप्शन नजर आता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कैटेगरी ओपन होती है कि आप किस लैंग्वेज में गाने को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, आप बहुत ही आसानी से किसी भी लैंग्वेज में गाने को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे तो ये अपडेट का ऑप्शन मांगेगा। अपडेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हिंदी गाने सारे अपडेट होकर सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास gaana.com की एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट गाना डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपके पास एक सर्च बॉक्स है, आप आर्टिस्ट, सॉन्ग या एल्बम को बहुत ही आसानी से सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, मूड्स, एल्बम, रेडियो, पॉडकास्ट और माई म्यूजिक के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में आता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी गाना डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रोल डाउन करना है, तो आपके पास ये वाला प्ले बटन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप गाने को लाइव सुनना चाहते हैं, यहीं पे सुनना चाहते हैं, स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो आप इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करके इस गाने को बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं और बड़ी जल्दी से ये प्ले भी हो जाता है। अगर आप इसी गाने को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके साथ ही आपके पास ये तीन डॉट्स नज़र आते हैं। सिंपली अगर आप इनके ऊपर टैप करते हैं तो आपके पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है कि आप इसमें साइन अप करें। अगर आपने साइन अप किया हुआ तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं और गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक के थ्रू करना चाहता हूँ, तो फेसबुक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ ऑथेंटिकेशन आएगी, कंटिन्यू एज ऋषि। मैं अपनी फेसबुक के थ्रू यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, साइन अप हो चुका है। तो अब आप कोई भी सॉन्ग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी गाना डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आते हैं, कोई भी गाना डाउनलोड करते हैं, आपने इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है तो ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली अगर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से कुछ प्लान्स आ जाते हैं कि आप कौन से प्लान को चूज करना चाहते हैं। आप इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्लान को चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 1 मंथ और 6 मंथ। तो आप इसको बहुत ही आसानी से बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बैक आना है, जिस भी गाने को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर अगर आप टच एंड होल्ड करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका गाना बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप ऑफलाइन बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हैं। यह है ऑफलाइन प्ले करने का तरीका। अब यहाँ पे तीसरा तरीका भी अवेलेबल है। अगर आप गूगल क्रोम पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो डाउनलोडिंग एप्स, बहुत सारी वीडियो डाउनलोडिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप इसके लिंक को पेस्ट करके वहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यही वाला तरीका रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गाना बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे माई फाइल्स में आना है और यहाँ पे आपने डाउनलोडिंग में आ जाना है। तो डाउनलोडिंग सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो गाना आपने डाउनलोड किया होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये गाना डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्रोम को सिलेक्ट करते हैं,
जस्ट वंस करते हैं तो आपका गाना बहुत ही आसानी से प्ले हो जाएगा ऑफलाइन, तो आप बगैर किसी इंटरनेट के इसको बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाना.com से कोई भी गाना डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं। तो होप सो ये सारा मेथड आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।